बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस के एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ ना कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तो लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। माँ, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देख कर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तो कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है, अब मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी? ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी, सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, एक रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा, मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी, मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। शहर के एक जंगल में पीलू अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। वो अपने पति को लंच बॉक्स लेकर उसे ऑफिस भेजती है। तभी उसे एक अपने मोटर वाहन से उतरती दिखती है। अरे बबली, तू
अरे पीलू, तू यहाँ कैसे? बबली, मैं और मेरे पति इस घोंसले में किराए से रहने के लिए आए हैं। अच्छा चल, मैं अब घर के अंदर चलती हूँ। मुझे इतनी देर धूप में रहने की आदत नहीं है, मैं तो एसी में ही रहती हूँ। अच्छा, लेकिन स्कूल में तो तू हमेशा बाहर धूप में ही खेला करती थी। स्कूल की बात अलग थी, अब मैं अमीर घर में शादी होके आई हूँ, मुझे धूप बिल्कुल सूट नहीं करती है। दूसरे दिन पीलू बबली के घर अचार लेकर जाती है। बबली, ये देख, मैं तेरे लिए आम का अचार लेकर आई हूँ। इसे मेरी सास ने बनाया है, वो भी घर में। अरे, ये ऑयली अचार मैं नहीं खाती हूँ पीलू, ये सब गांव में चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं। इसे तू वापस ले जा, पीलू उदास होकर कहती है। ओहो बबली, तेरी लाइफस्टाइल तो बहुत बदल गई है। चल ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ऐसे कहकर पीलू वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। पीलू अपने पति से कहती है, बबलू जी, मैं ये साड़ी करवा चौथ पे पहनूं तो कैसी लगेगी? पीलू, तुम भी क्या सोचती होगी कि कैसा पति मिला है, किराए के घर में रखा है, नई साड़ी भी नहीं दिला सकता। लेकिन क्या करूं, मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि महीना पूरा होने के पहले ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। काश इस त्योहार में मैं तुम्हें कम से कम एक अच्छी साड़ी दिला पाता। बबलू जी, आपका प्यार ही मेरे लिए असली दौलत है, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो पीलू, ये लो 1000 रुपए और इससे करवा चौथ का सामान ले आना। ठीक है जी, मैं पूजा का सामान ले आऊंगी। शाम में पीलू के घर बबली आती है। पीलू, आज करवा चौथ मनाने के लिए सभी बंगलों में आ रही है, तू भी आ जाना, मेरे बंगलों की छत से चांद साफ साफ दिखता है, तुम लोगों की छोटे छोटे घोंसलों में शायद वो सही से निकलेगा नहीं, फिर तुम लोग भूखी रह जाओगी। अगर सब आ रही है तो मैं भी आ जाऊंगी बबली। अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयारी करने के लिए पर्सनल स्टाइलिस्ट आने वाली है, वो 50,000 ले रही है मुझे स्टाइल करने के लिए, तुम लोग तो खुद से तैयार हो जाना। रात में सभी बबली के बंगलों में पहुंच जाती है, पीलू भी वहां जाती है। अरे वाह बबली, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये मेरे मुंबई जंगल के पर्सनल फैशन डिजाइनर ने मुझे डिजाइन करके दिया है। अरे तेरी मेहंदी, उसकी डिजाइन भी कमाल है। ये 25,000 की है। तुम्हारी मेहंदी के खर्च से हमारा पूरा घर ही चल सकता है। सब हंसने लगते हैं। चलो अब चांद निकलने वाला ही है, लेकिन मेरे पति नहीं आए हैं। उनके हाथों से मैं फिल्टर्ड वाटर पीऊंगी, उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ूंगी। एक के बाद एक सभी चिड़ियाएं अपने पति का चेहरा चांद के साथ देखकर साथ ही व्रत पूरा कर लेती है। पीलू भी बबलू के साथ व्रत पूरा कर लेती है, लेकिन बबली के पति अभी तक नहीं आते हैं। फिर सभी अपने अपने घर चली जाती है। देर रात को पीलू बबली को फोन लगाती है। अरे बबली, फोन क्यों नहीं उठा रही है, उसके पति घर आए कि नहीं? ऐसे कहते हुए वो अपने पति के साथ बबली के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि बबली अपने हॉल में बेहोश पड़ी हुई है। फिर पीलू तुरंत ही डॉक्टर को फोन लगाती है। इन्हें तो डिहाइड्रेशन हुआ है, इन्हें मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, इससे इनकी हालत संभल जाएगी, इनके पति को जल्दी से बुलाओ। फिर बबलू तुरंत ही बबली के पति के ऑफिस पहुँच जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। वो दोनों जल्द से जल्द घर वापस आते हैं। आप कहाँ रह गए थे, आपका फोन नहीं लग रहा था। बबली, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुमने करवा चौथ का व्रत रखी है, चलो अब जल्दी से अपना व्रत पूरा कर लो। फिर पीलू की मदद से बबली अपना व्रत पूरा कर लेती है। बबली, तुमने भाई साहब को व्रत के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं फैशन और मेकअप में इतना ध्यान ही नहीं दी कि मुझे इन्हें बताना था, याद ही नहीं रहा। पीलू, तुम्हारी सादगी से मैं सीखूंगी कि इतने कम पैसों में भी कैसे अच्छे से रहते हैं। अब मैं अपनी दौलत के लिए इतनी घमंडी नहीं रहूंगी। उसके बाद से बबली सुधर जाती है और सादगी से अपना जीवन बिताने लगती है। कोंडागांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल, ईमानदार
था, लेकिन वो जो भी काम करता था लोग उसका फायदा उठाकर उसे नुकसान पहुंचाते थे। बबलू एक बार किराना दुकान खोला तो गांव के लोग उसे उधार में चीजें खरीद लेते हैं और फिर उसको कभी भी पैसा वापस नहीं करते हैं। इस वजह से उसे दुकान बंद करनी पड़ गई। फिर बबलू ट्रैवल का बिजनेस शुरू किया, लेकिन गांव वाले उसे लिफ्ट मांगते थे और मुफ्त में ही जगह जगह ट्रैवल कर लेते थे। अपने सीधेपन के कारण वो किसी से पैसे भी नहीं मांगता था। लोग उसकी बस में बारात लेकर भी जाने लगे। इस तरह से उसका ट्रैवल का काम भी ठप पड़ गया। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोली, क्या हुआ जी, आप इस तरह से परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो पीलू, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा आज तक नुकसान ही होता आया है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मेरा इतना नुकसान क्यों होता है। आपको इसलिए नुकसान होता है क्योंकि आप बहुत सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपके भोलेपन का बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, कोई और दुकानदार ऐसा नहीं करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। तुम सही कह रही हो पीलू, मैं अब एक आखिर बार एक काम शुरू करने की सोच रहा हूँ, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। नहीं जी, शहर नहीं जाएंगे, यही कुछ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू मैं बाजार घूम कर देख रहा था कि कहाँ क्या मिलता है। मैंने पाया कि हमारे गांव में फलों की दुकान तो है ही नहीं, गांव वाले पड़ोस के गांव से फल खरीद कर लाते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं फलों की एक दुकान लगा दूँ। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इस बार आप किसी को उधार नहीं दोगे। नहीं नहीं, अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी फलों की दुकान खोल लेता है, लेकिन बहुत से गांव वाले अभी भी उसे बिना पैसे दिए फल ले जाते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठ जाती है कि लोग बिना पैसे दिए फल ना ले जा पाए। एक दिन हरिया काका उनके यहाँ आता है। पीलू, तुम्हारी दुकान में ड्रैगन फ्रूट है क्या? हरिया काका, ये लीजिए ड्रैगन फ्रूट, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है लेकिन महंगा है। स्वादिष्ट तो होता है लेकिन फायदेमंद भी बहुत होता है। और रही बात कीमत की, तो सेहत से बढ़कर क्या कीमत है। अभी मौसम बदलने वाला है और ये इन्फेक्शन से बचाएगा, मुझे ये 5 किलो दे दो। हरिया के जाने के बाद सुनिए जी, हरिया काका क्या कह के गए हैं कि इन्फेक्शन होने का डर है मौसम बदलने से। हाँ, अगर ऐसा होगा तो ड्रैगन फ्रूट से लोगों को इन्फेक्शन होने से बचाया जा सकता है। इसका मतलब हम और ड्रैगन फ्रूट बेच सकेंगे। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे, हम क्यों ना फ्रूट सलाद बनाकर बेचें। कुछ ही दिनों में लोगों को इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और हरिया काका सबको ड्रैगन फ्रूट खाने की सलाह देता है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में लोग इकट्ठा होने लगते हैं। सुनिए, मैं आप लोगों को अब से मुफ्त में या उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसे देकर फ्रूट सलाद लो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर इन्फेक्शन से बचने के लिए वो बढ़ चढ़ कर पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत भी सुधारने लगती है और लोग अब सबक ले लिए कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं आती। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो गए और बबलू ने सुपर स्टोर शुरू किया। अब से गांव वाले उसे पैसे देकर ही सामान लेते थे। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था। सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो?
कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है, अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर दो जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ, क्या तुमने उन्हें देखा है? जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू तू, मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी, तू किससे बात कर रहा था? जरा बताना मुझे, मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है, वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है, सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है, जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था, आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है, उसकी आवाज़ सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो, अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है, अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंक कर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है। बद्रीपुर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो रोज नदी में अपने नाव लेकर जाती थी और जाल बिछाकर मछलियां पकड़ती थी, फिर उनको मछली बाजार में बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। पीलू मछलियां पकड़ने में बहुत माहिर थी और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करती थी। एक दिन सुंदरी उसे रास्ते में मिलती है और पूछती है, पीलू आज क्या बात है, तुम सुबह सुबह ही मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ी? हाँ सुंदरी बहन, सुबह सुबह नदी में कम भीड़ होगी तो मैं शायद ज्यादा मछली पकड़ सकूंगी, घर में माँ की तबीयत खराब है तो पैसों की
बहुत जरूरत है। तुम्हारा लगन का जवाब नहीं पीलू, जाओ अच्छे से मछलियाँ पकड़ना। ठीक है बहन। फिर पीलू मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी पहुँची और एक बड़ा सा जाल फेंकी। थोड़ी ही देर में जाल में मछलियाँ फंस जाती है और उसमें एक चमचमाती हुई बड़ी सी गोल्डन फिश भी आती है। तभी अचानक से वो मछली बोल पड़ती है, ये दीदी मुझे छोड़ दो, मैं पानी के बाहर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अरे ये क्या, एक मछली बात कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो ना। पीलू आश्चर्यचकित रहती है और सोचती है, मैं इस मछली से बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ, इतना कि मेरा पूरा कर्जा भी चुकता हो जाएगा, माँ का इलाज भी हो जाएगा और मैं नया घर भी खरीद सकूंगी। सुनो गोल्डन मछली, मैं तुम्हें अपने साथ गांव लेकर चलूंगी, वहाँ तुम गांव वालों से बात करोगी। नहीं मुझे कहीं मत लेकर जाओ, मुझे नदी में ही रहने दो, यही मेरा घर है, मुझे बख्श दो। पीलू उस मछली की भावुकता देखकर खुद भी भावुक हो जाती है। ठीक है बहन, तुम तो सच में बहुत दुखी हो गई हो, मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं कर सकती, चलो मैं तुम्हें पानी में छोड़ देती हूँ। फिर वो गोल्डन मछली पानी में छलांग लगाते हुए उड़ती हुई चली जाती है और कहती है, थैंक यू पीलू। इसके बाद पीलू बाकी की मछलियों को बाजार में ले आती है। क्या आप जानते हैं हरिया काका, सुंदरी बहन, बबली दीदी, कि मैं आज जब मछलियाँ पकड़ रही थी तब मुझे एक गोल्डन मछली मिली। तो वो कहाँ है पीलू? उसको मैंने वापस नदी में छोड़ दी, फिर वो उड़ती हुई चली गई, रो रही थी बिचारी। क्यों मजाक कर रही हो पीलू, ऐसी कोई मछली नहीं होती है। सभी उस पर हंसने लगे। अगले दिन पीलू फिर से मछली पकड़ने के लिए जाने लगी। उसको देखकर सुंदरी और बाकी के पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। आज पीलू उड़ने वाला ऑक्टोपस लेकर आएगी। हो सकता है इसे उड़ने वाली शार्क भी मिल जाए नदी में। पीलू उनकी बातों का बुरा नहीं मानती है और अपने काम के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही पीलू नदी में जाल फेंकती है तभी अचानक से काले बादल छा जाते हैं और जोर से बारिश होने लगती है। नदी में अचानक से पानी बढ़ जाता है और उसकी नाव पलट जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अगर मैं डूब गई तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा, बचाओ बचाओ। पीलू डूबने ही वाली थी कि उसके पास गोल्डन मछली आ जाती है। पीलू आप चिंता मत करो, मैं आपका बचाऊंगी, जल्द से मेरी पीठ पर चढ़ो। पीलू उस मछली को देखकर थोड़ी सी डर जाती है लेकिन फिर उस पर चढ़ जाती है। जैसे ही पीलू मछली के ऊपर बैठती है वो मछली अपने पंख फैलाकर उड़ने लगती है। अरे गोल्डन मछली बहन, तुम तो वाकई में कमाल की हो, मैं तुम उड़ रहे हैं, मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुमने मेरी जान बख्शी थी पीलू बहन, इसलिए मैं तुम्हें आज बचा रही हूँ, तुम बहुत दयालु हो। फिर वो गोल्डन मछली पीलू को किनारे लेकर आ जाती है। उड़ने वाली मछली को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, पीलू सच बोल रही थी, ये उड़ने वाली मछली ही है। गोल्डन मछली तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पीलू, धन्यवाद की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जब भी मदद लगेगी मैं आ जाऊंगी। फिर वो मछली वापस से पानी में चली गई और आगे भी पीलू और उसकी दोस्ती कायम रहती है। चिंकू खरगोश और पीहू हथनी दोनों भाई बहन हर वक्त फोन में ही लगे रहते थे, पूरा दिन बस मोबाइल में यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते थे। एक दिन वह वीडियो देख रहे थे तो उन्हें एक नई गेम पबजी के बारे में पता चला। दोनों को उसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा तो पीहू हथनी ने कहा, चिंकू भैया देखो कितनी मस्त गेम है ना, चलो ना एक बार इसे डाउनलोड करके खेल के देखते हैं कि आखिर ये गेम कैसी है, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खेलने में कितनी अच्छी होगी ना। हाँ बहन तुमने सही कहा, आजकल मैंने भी
इसके बारे में बहुत सुना है। स्कूल में भी सब इसी गेम के बारे में बात करते रहते हैं। एक बार इसे खेल कर देख ही लेते हैं। और चिंको खरगोश पबजी गेम को अपने फोन में डाउनलोड कर लेता है और उसे खेलने लगता है। दोनों भाई बहनों को वह गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वह उस गेम में ही लगे रहते हैं। पीहू, यह तो सच में बहुत अच्छी गेम है। जैसे मैं गेम चाहता था ये तो बिल्कुल वैसी ही है। अब मैं इसे सीख जाऊंगा कि एक सोल्जर कैसे बन सकते हैं। बस फिर उस दिन से दोनों भाई बहन फोन उठाते और पूरा समय बस पबजी खेलते रहते। वह खाना पीना भी भूल चुके थे, पढ़ना लिखना भी भूल चुके थे। अब उन्हें अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा था कि माँ मोना नीलगाय उनके पास आती है और उनसे कहती है, बच्चों तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, चलो फोन नीचे रखो और तैयार हो जाओ। मम्मी, अभी हमने पहले ये गेम खेलना है, पहले मैं इन सभी को मार दूँ, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगा। तुम दोनों का ये क्या चल रहा है, पूरा समय फोन में ही लगे रहते हो, खाना पीना सब भूल चुके हो तुम दोनों, चलो फोन नीचे रखो और स्कूल जाओ। मोना नीलगाय फोन छीन कर नीचे रख देती है और दोनों को स्कूल भेज देती है। स्कूल से आने के बाद दोनों बिना कुछ खाए, यहाँ तक कि कपड़े भी ना बदले, फोन में लग जाते हैं और पबजी गेम खेलने लगते हैं। शाम को जब उनके पापा सोनू भालू घर आते हैं तो मोना नीलगाय सब उसे बता देती है, बच्चों इस गेम को छोड़ो और बाहर जाकर खेला करो, अगर तुम फोन गेम्स खेलोगे तो सोल्जर कैसे बनोगे। जी से मैं सब कुछ सीख जाऊंगा, गेम खेलते हुए अपने पापा को जवाब देता है। और थोड़ी देर बाद वह गेम जाता है जिसके बाद वह चिल्लाने लगता है, ये विनर विनर चिकन डिनर, जय पबजी जय पबजी। अरे ये क्या बोल रहे हो चिंकू, पापा मैं गेम जीत गया हूँ ना, तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं इसे जीतने पर। सोनू भालू और मोना नीलगाय दोनों अपने बच्चों से बहुत परेशान हो गए थे। तभी अगले दिन सोनू भालू का छोटा भाई यश शेर घर पर आता है। वह एक आर्मी में सोल्जर है। वह अपने भाई को दुखी देखता है तो उससे कहता है, यश भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो। अरे यश देखो ना, तुम्हारा भतीजा भतीजी पूरा दिन बस पबजी गेम खेलते रहते हैं, कहते हैं कि ऐसे वे सोल्जर बनेंगे। अब तुम ही उन्हें समझाओ कि ये गेम खेलकर कैसे कोई सोल्जर बन सकता है, इस गेम के चक्कर में तो वो समय से खाना भी नहीं खाते हैं। बच्चों तुम्हें आर्मी में सोल्जर बनना है ना। हाँ चाचा, मैंने तो गन चलाना भी सीख लिया है, दिखाऊं आपको। बेटा यह तो सिर्फ एक गेम है, इसमें तुम असली गन कैसे चला सकते हो, इसकी तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और जिसके लिए तुम्हें पहले सोल्जर बनना पड़ेगा, और सोल्जर बनना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें पता है मेरा दोस्त बहुत गेम खेलता था, उसे सोल्जर बनना था मगर फोन गेम्स खेलने की वजह से वह बहुत मोटा हो गया, जिस वजह से वह सोल्जर कभी नहीं बन पाया। तो चाचा आप कैसे बन गए सोल्जर। यश, क्योंकि बेटा मैं बाहर जाकर खेलता था जिससे मैं फिट रहता था और एक सोल्जर बन पाया, और आज तुम ट्रेनिंग पर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें गन चलाना सिखाएंगे, गेम खेलने से तुम ये कभी नहीं सीख पाओगे। मैं समझ गया चाचा, अब से मैं ये गेम कभी नहीं खेलूंगा, फोन गेम सिर्फ कभी कभी अच्छे लगते हैं, अब से तो मैं बाहर जाकर ही खेला करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा, और देखना एक दिन आपके जैसा सोल्जर बनूंगा और देश की रक्षा करूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा। दोनों बच्चे समझ जाते हैं और पबजी गेम खेलना बंद कर देते हैं और बाहर बच्चों के साथ खेलना शुरू करते हैं। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था। सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो। कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो, ये उसी का इलाका है, अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा। आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर दो जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ, क्या तुमने उन्हें देखा है। ज-
जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू तू, मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी, तो किससे बात कर रहा था जरा बताना मुझे। मेरी धमकी याद है ना, अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है, वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है, सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है, जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था, आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो, अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है। अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंक कर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है।